ये भ्रम है कि हमारा किसी से प्रेम है या किसी का हमसे प्रेम, ये भ्रम है असंगों से, क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी आकार के साथ बंधी हुई नहीं है। अब तक कितने शरीर को मैं समझा और छोड़ दिया, बचपन वाला शरीर कहाँ है, जवानी वाला शरीर कहाँ है, बुढ़ापे वाला शरीर कहाँ है, पूर्व जन्म की बात छोड़ दे हैं, तो इसी जन्म में हमारा कितना शरीर बदला। जैसे 7 वर्ष में, ऐसा हमको साइंसदान लोगों ने बताया है, ये जो शरीर होता है इस शरीर में 7 वर्ष में इतने परिवर्तन होते हैं कि पहले का कोई कण नहीं रह जाता। ये चोला है, ये डिजाइन मालूम पड़ती है कि वही है, परंतु बदल गया इसका हाथ, खून बदल गई, तीर बदल गई, हड्डी बदल गया, कान उसे एक पर दूसरे, दूसरे पर तीसरे, तीसरे पर चौथे आते जाते हैं। ये हालत है इस शरीर की। कतब तुम हो क्या, विश्व साक्षी सुखम सुखी भव, विश्व साक्षी सुखम कर। इस दुनिया से तुम अगर कुछ हो तो गवाह हो। तो ये नहीं, ये जो और हाथ बंद करके जो साक्षी बनते हैं ना, तो एक शरीर के हड्डी मांग को चांद का मैं साक्षी हूं, अपने को एक जेल खाने में रख के और साक्षी ही बनने की कोशिश करते हैं। यदि तुम्हारी परिच्छिन्नता का भ्रम दूर नहीं हुआ है, जैसे देखो तो तुम तो साक्षी हो, मान लिया भाई बड़े भारी ज्ञानी तुम साक्षी हो, और दूसरा क्या है, वो तो दृश्य है, वो तो अज्ञानी है, वो तो मूर्ख है, मैं तो साक्षी हूँ, मूर्ख हूँ, और ये बद है, ये देवकूप साक्षी जो है, ये देवकूप साक्षी है। वो साक्षी दो नहीं हुआ करते, न दो जीव अलग अलग साक्षी होते हैं, न जीव ईश्वर अलग अलग साक्षी होते हैं। ये आप नोट कर लो, ईश्वर अलग साक्षी है और जीव अलग साक्षी है, और एक एक शरीर में बैठ के जीव अलग अलग साक्षी है। साक्षी कोई अंतकरण की कल्पना नहीं है। साक्षी माने साक्षात पश्यति, अंतकरणम विनैव पश्यति। जब तुम साक्षी माने तो साक्षात देखे, माने जो आंख से देखता है तो नहीं, जो कान से सुनता है तो नहीं, और जो मन से देखता है तो नहीं, जो बुद्धि से देखता है तो नहीं, जो समाधि से देखता है तो नहीं। साक्षी माने साक्षात उपाधि विनैव, अज्ञान और अंतकरण और इंद्रिय और शरीर की उपाधि के बिना ही। ये पांगी सूत्र साक्षात दृष्टर संज्ञायाम, साक्षी एक संज्ञा शब्द है, किस अर्थ में है कि जो बिना इंद्रिय के, बिना शरीर के, बिना दूरबीन कुरबीन के, बिना अंतकरण के, बिना बुद्धि के, बिना समाधि, चित्त निरोध के बिना, चित्त के बिना, चित्त निरोध के बिना और चित्त के बिना जो ज्ञान स्वरूप है उसका नाम साक्षी है। अरे मस्त रहो बाबा, क्यों दुख को क्यों पकड़ते हो, विश्व साक्षी सुखी भव। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसा नीनते निभो, न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। जो हम तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करते हैं,
तुम कैसे हो। धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। ये धर्म है ये अधर्म, ये सुख है ये दुख है। देखो ये चारों को एक साथ लेना, अलग अलग नहीं लेना। ये सब मानस है, मानस है माने मन की लहरें हैं, मनोविकार है। मानसाने मनसी भवाहा, ये मन में पैदा होते हैं, मन में पैदा होते हैं। जब तुम डॉक्टर बने तो रोगी को अच्छा करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्रयास करना तुम्हारा धर्म हो गया। तब चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को एक्सीडेंट से बचाना तुम्हारा धर्म है। और जब सिपाही बने तब चौराहे पर खड़े होके लोगों को एक्सीडेंट से बचाना ये तुम्हारा धर्म हो गया। जब तुमने अपना मैं सिपाही में जोड़ा तो एक्सीडेंट से बचाना धर्म है। और जब तुमने अपने को डॉक्टर बनाया तो रोगी को रोग से बचाना धर्म है। जब तुम पत्नी बने तो पति के प्रति निष्ठावान होना तुम्हारा धर्म है। जब तुम पति बने तो पत्नी के प्रति निष्ठावान होना तुम्हारा धर्म है। और ब्रह्मचारी बने तो ब्रह्मचर्य का पालन तुम्हारा धर्म है। गृहस्थ बने तो गृहस्थाश्रम का पालन तुम्हारा धर्म है। ये अहम भाव को धारण करके और उसके अनुसार मन में धर्म की धारणा उत्पन्न की जाती है। अभी एक सज्जन ईश्वर पर नाराज हो रहे थे, तब दो चार दिन की बात है, यहाँ की नागदान में था ना, वही नाराज हो रहे। हमने सच बोला महाराज, हमेशा मर्यादा के अनुसार काम किया, हम ऐसे रहे हैं। और ईश्वर हमारी ओर कोई ख्याल नहीं करता है, मैंने कहा भाई जिसको तुम धर्म अधर्म मानते हो ईश्वर भी उसी को धर्म अधर्म मानता है क्या? ईश्वर हिंदुस्तान का कानून मानता है कि अमेरिका का, कि इंग्लैंड का, कि रूस का, कि चीन का? किस कानून के अनुसार ईश्वर न्याय अन्याय मानता है? जिसको तुम अच्छा समझते हो या बुरा समझते हो ईश्वर की बुद्धि में भी वही अच्छा बुरा है क्या? अकल वाले से हो, समझदार है। महाराज तब ईश्वर का कानून क्या है, ईश्वर का धर्म क्या है? अरे जीव का कानून दूसरा है भाई, ईश्वर का कानून दूसरा। ईश्वर का कानून है भक्त का पक्षपात, इसके सिवा ईश्वर का और कोई कानून नहीं है। जब जो भी हाथ जोड़ेगा हम लोगों के हिंदुस्तानी कानून से, जो चोर है, हमको बता रहे थे असल में तो वो सर्वोदय जो आए थे ना, सर्वोदय के बड़े नेता हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि महाराज जो डाकुओं से हम लोगों ने आत्मसमर्पण करवाया वो तो 6-6 घंटे भजन करते हैं, हाँ, और मस्त रहते हैं। और पहले कहते हैं जब हम डाका डालने जाते थे तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते थे, देवी माई को मना के जाते थे कि हम पकड़े न जाए। तो क्या ईश्वर का कानून है? अरे बाबा देखो, ब्रह्म का तो कानून है ये कि कोई कानून न माने, ये तो ब्रह्म का कानून है, बता।
वो भक्त पक्षपाती भी नहीं होता है, वो धर्म पक्षपाती भी नहीं और भक्त वो भक्त पक्षपाती भी नहीं है। और ईश्वर का कानून है भक्त पक्षपाती, तो से तो ईश्वर का नाम ले। अतिशेष सुदुराचारो भजते मामनंद बाप, ईश्वर का कानून है भक्त का पक्षपात और धर्म का कानून है धर्मात्मा की रक्षा, वो न्याय है, वो जज है और ईश्वर शरणागत की रक्षा करता है। हाथ जोड़ दो भाग वेद सके त्रिपुरा। और ब्रह्म का कानून क्या है, कौन राजा है न प्रजा है, न कानून है न शासन है, धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसाने न ते विदो। नमाज पढ़ना धर्म है कि पूजा करना धर्म है, मूर्ति पूजा करना कुफ्र है, ये इस्लाम धर्म है, मूर्ति पूजा नहीं करना। एक दिन यही क्यों एक एक करती समझ ली क्या ही गई हिंदू के घर, वो अमेरिका में रहती है आई थी, तो उसको तो यहाँ के शिष्टाचार का भी पूरा पता नहीं है, हमसे बोली कि हम एकांत में बात करेंगे, तो हमारे तख्ते पर ही आके बैठे। मैंने कहा अच्छा भाई बैठ, तो उसने कहा कि हम लोग अपने पति के साथ मंदिर में जाते हैं और ये कहते हैं कि हाथ जोड़ो फूल चढ़ाओ, तो हमारे मन में बहुत गिलानी होती है कि ये तो मैं पाप कर रही हूँ, कुफ्र बुतपरस्ती। तो मैंने उससे कहा कि तू कब्र के सामने कभी जाती है कि नहीं, मकबरा मकबरे में कभी जाती है कि नहीं, कर जाते हैं तो वहां से झुकाती है कि नहीं, कर झुकाते। तो मैंने कहा भरे हुए प्रेत के सामने से झुकाने में कुछ आती है और जिसको हम लोग ईश्वर समझते हैं उसको सिर झुकाने में तुमको शर्म आती है, मकबरे के सामने है हाथ जोड़ना सिर झुकाना ये बुत परस्ती नहीं है, और मूर्ति के सामने सिर झुकाना बुत परस्ती। फिर यहाँ पर आगे कहा याद याद जब आगे तो भाई मेरे धर्म क्या है, मूर्ति पूजा धर्म है कि मूर्ति तोड़ना धर्म है, तो देखो मुसलमान के मन में ये बात आई गई है कि खुदा बिल्कुल बेसकल सूरत का निराकार होता है, और हिंदू के मन में बात बैठा दी गई तेरी बैठाई हुई बात है दोनों प्यार होता है कि नहीं, मूर्ति मूर्ति जो है वो साक्षात ईश्वर रूप है। तब तक यहाँ ये धर्म है कि मूर्ति के सामने झुको, तब वहां वो धर्म है कि मूर्ति के सामने मत झुको। ये तो हमारे आचार की पूरी थी, तब लोगों की पूजा करते हैं ना, वहां कोई बना दे मोहम्मद साहब की मूर्ति, बाहर डाले भी मुसलमान हो यदि मोहम्मद साहब का एक फोटो, एक फोटो साफ दिया एक बार कल्याण में, बहुत पुरानी बात है, वो गलती में मोहम्मद साहब की तस्वीर बनवा के छाप दी गई थी, महाराज वो कोलाहल मचा वो उपद्रव हुआ, तो कल्याण में से वो पन्ना फाड़ के फिर दूसरी जगह उसको दूसरी चीज छापने को, क्या कारण होता है तो सत्य बोलना भी अधर्म होता है, नहीं बोलना नहीं बोलना मऊ हो जाना, तो कहीं कहीं अहिंसक होना है ना, कोई अपनी पत्नी को पकड़ कर लिए जा रहा हो जबरदस्ती और क्या नाम है गाय को मार रहा हो उस समय अहिंसक होना भी अधर्म होता है। और प्राण निकल रहे हो भूखे तो उस समय दूसरे के घर में से चोरी से उठा के खा लेना भी कर दो, जिंदा रहेंगे तो फिर कर लेंगे, यदि भूखे मर रहे हो अस्ते भी कर दो,
ऐसी क्या चीज है जो धर्म नहीं है और ऐसी क्या चीज है जो अधर्म नहीं है। तो ये मनोविकार वंश का लोग पूरा महाभारत में वर्णन आता है। महाभारत युद्ध के बाद वंश का लोक प्राप्त हुआ कि बहुत सारे वंश लुप्त हो जाए, और तब वहां नियोग का विधान किया गया महाभारत में। हाँ, नियोग की प्रथा हो नहीं, वंश तो चलने चाहिए। क्या धर्म होता है और क्या अधर्म, किस देश में, किस काल में, किस जाति में, किसके लिए क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, ये अधिकारी को देख के, देश को देख के, काल को देख के, वस्तु को देख के, जाति को देखकर, उम्र को देखकर और अवस्था को, वृद्धावस्था आदि जो है उस अवस्था को देखकर, शक्ति को देखकर धर्म का निर्णय किया जाता है। और ये मानस है और सुख दुख ये भगवान। अच्छा, अब इसकी चर्चा आपको कल सुना।
यदि वस्तु में अंदर आत्मा से निकलता हो तो सबके लिए एक, अधर्म भी सबके लिए एक। सुख दुख है, स्त्री में सुख हो तो हिंसा होना चाहिए, पुरुष में सुख हो तो हिंसा होना चाहिए। अरे ऐसा है, एक आदमी रोग से बड़ा बड़ा डरा रहा था, हाय हाय हाय, अब जी की क्या करेंगे, मरने को राजी है। इतने में महाराज घर में आग लग गई, भूल गया सारा, वो उठ के खड़ा हुआ, चिल्लाया, लेके पानी घर में डालने लगा। जब ये लगा जब मैं जल जाऊंगा तो बड़ी लोग बात जब वो शरीर की जो पीड़ा थी, वो शरीर की पीड़ा जब तक मन पीड़ा में था तब तक वो मालूम करती थी, और जब मन पीड़ा में से निकल गया, दूसरी तरफ चला गया, तो वो दुख हुई। तो किसी के मिलने से सुख है, और जब किसी से नफरत हो जाती है तो मार डालते हैं उसको। कई लड़की लड़कों के बारे में आता है, बड़ा भारी प्रेम। जब लड़की ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करेंगे तो पिस्तौल से मार दिया। ये देखो, ये संसार में कहां सुख है कहां दुख है। ईश्वर की कृपा से आदमी के अंदर समझदारी होनी चाहिए। यदि वो समझ से तो वो पुण्य को भी पाप बना देता है, पाप को भी पुण्य बना देता है, सुख को भी दुख बना देता है, दुख को भी सुख बना देता है। तो इनका जो बीज है, इनकी जो जड़ है, ये हमारे मन में ही है, और वो जड़ की बाहर से जानी हुई है ना। अभाव आज एक संक्रांति ही बनाना, यही वेदांत की संक्रांति है। पंडितों वाली संक्रांति तो अपने अपने घर में मनाना, क्रांति माने होता है पांव आगे बढ़ाना, इसका नाम होता है क्रांति। क्रम पाद विक्षेप क्रमणम क्रांति, इंकलाब है जिहाद तौर पर, सम्यक क्रम, समझ बूझ के भली भांति अपना पांव आगे बढ़ाओ। संक्रांति माने पांव को आगे बढ़ाना, आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, दबाव बढ़ गया, आगे बढ़ गया और चल पड़े हिमालय की ओर, चल पड़े उत्तर, उत्तरायण, उत्तर माने ऊंचाई। तो पांव आगे बढ़ते हैं, कभी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, कभी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। तो आज सूर्य के जो पांव हैं वो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्नति की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इसको उत्तरायण, और उसमें भी संयोग दिया और एक पांव ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कहा धरती को रहने दो धरती पर, शरीर को रहने दो शरीर में, और ये मन की उलझनों में जो तुम बधे रहते हो वहां से अपने को ऊपर उठाओ।
ऐसा मन जो सवेरे कुछ दोपहर को कुछ शाम को कुछ रात को कुछ क्षण क्षण में कुछ अगर उसमें अपने को डाल दोगे तो उस दिन रात 2400 घंटे तुमको तकलीफ देता रहेगा। संक्रांति का अर्थ है कि छोड़ो इस मन को, इस दक्षिणायन को छोड़ो, चलो उत्तरायण में, उत्तरायण में अपने आत्मा में। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानुगते हो। एक स्त्री थी विदेश, उसने लज्जा पर लगवा कक्षा का बालक था, किसी दवा से अच्छा ना हो। महाराज डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर था, उसने कहा भाई देखो हम इसको अच्छा कर रहे हैं तब लेंगे इतना रुपया। ठीक है, अब महाराज कर्तव्य करो मैं और रोगी दो हैं। स्त्री की गुणती सुंदर कुछ नहीं करते, पकड़ के कपड़े उसको नंगा करना शुरू किया। बंद कमरे पहले वो चिल्लाई बोला नहीं जा सकता, वो पड़ी फिर छटपटाई और छटपटाने के बाद उठ के खड़ी हो गई और डॉक्टर को पीटना शुरू कर दी। और लोगों ने किवाड़ी खोली, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, बड़े दुष्ट हो डॉक्टर को। तो बोला देखो तुम्हारा रोगी अच्छा हो गया कि नहीं, असल में हमारे शरीर में भी जो निष्क्रियता है वो हमारे मन की कमजोरी से है। मन में अगर बलवान, मन हमारा बलवान हो तो कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, इसको भी छोड़ो। मन चाहे सुख में हो चाहे दुख में, जब वो हजार की धारण करता है बहुत भी आ जाए, ये मन तो बहुत भी आए, कभी गंदा गंदी पोशाक पहन लेता है, कभी स्वच्छ पोशाक पहन लेता है, कभी भले मानुष बन जाता है, कभी बदमाश बन जाता है, कभी दुखी का ढोंग करता है, कभी सुखी का, ये सब ढोंग है, क्योंकि मिनट मिनट में बदलता है, इसमें सच्चाई बिल्कुल है। आप अपने मन की बात को सच्ची मानते हो, वो साहूकार को चोर बता देता है, चोर को साहूकार बता देता है, वो अच्छा को बुरा बताता है, बुरे को अच्छा बना बताता है, ये क्या मन अपना विश्वास करने योग्य रहते हैं। सबसे ज्यादा अपने पास अविश्वसनीय सलाहकार कोई है तो अपना मन। गृहरी ने लिखा है कि ये जो छाती है ना, छाती ये मानस की एक काट है। कामी लोग कहते हैं ये अवरक का कलर है, मुंह से बहता है लार। कामी लोग कहते हैं ये अवरावृत वैराग्य सतर्क करो। देखो अपना अपना दृष्टिकोण ही तो है ना, अपना अपना दृष्टिकोण ही है, कहां सुख है कहां दुख है। उपवास करने में सुख है, भूखे रहने में दुख है, चीज तो एक ही है कि नहीं, दोनों का फर्क है। उपवास करना कि भूखे रहना, इन दोनों में क्या फर्क है,
भूखे रहने में दुख होता है और बात करने में ये किसी को मानस बोलते हैं। वो उसका नाम मानस है। श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ और थोड़े से मार के कोई भगावे हैं तो बहुत बड़ी कृपा हो। और ऐसे कोई थोड़ा दिखा दे और इंसल्ट हो गए, किसी का नाम मन है वो, किसी का नाम मन है। तो जरा सा खाता चुभा दे आपको शरीर में, मारने को तैयार हो जाओ, डॉक्टर को काट कर हाथ पांव काट के फेंक देते हैं, बोले हमारी हमारी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। सुष्ठु खानी यस्मिन तत् सुख, जिसमें ख माने हमारे इंद्रिय के छेद अवकाश को, माने इंद्रियां और अंतकरण का जो क्षेत्र, अंतकरण की क्षेत्र ही है। जैसे आप समझते हैं ना कि हम शब्द सुनते हैं तो कान एक कान है, कान में एक टेढ़ा मेढ़ा छेद है और उसमें जाकर जब आवाज टकराती है तो सुनाई पड़ती है। छेद का ही नाम कान है। यदि ऑपरेशन करके चाहे कि हम उसको निकालें, निकाल के जरा एक का कान दूसरे के कान में लगा दो, कान का चाम का एक टुकड़ा ला लेके लगा सकते हो, सुनने की शक्ति नहीं लगा सकते। वो तो ज्ञानात्मक होती है, वो ज्ञान है, तो ज्ञान तो ऐसे ये हृदय का भी क्षेत्र है और आकाशात्मक बिल्कुल उसको कुछ नहीं, न लाल है न काला है न पीला है न इंच भर का है न फुट भर का है ना। तो दिल जो है ना जो ज्ञान शक्ति है वो न इंच है न फुट है, न उसका जीवन एक सेकेंड है न एक वर्ष है। न वो एक पासा है न एक कोला है न एक दिलो है न एक मृतक है। जिसको हम लोग मन कहते हैं उसकी न उम्र है न लंबाई चौड़ाई है न वजन है न आकृति है, बस जैसी आदत डाल दी जाए वैसी फुरफुराहट होती रहती है। ये नंगे लोग जो हैं और ये गंगा किनारे बिना कपड़े के धरती में सोते हैं और कहते हैं हमारे सामने ये राजा रईस क्या हो गए। मन की मस्ती है वो सब, मन के हारे हारे मन के जीते जी। परमहंस राम कृष्ण तेरे शरीर से जब पैसा छू जाता था, ऐसा मैंने उसके जीवन चरित्र में पढ़ा, तो उसको लगता था कि जैसे आग लग रही है, चिंगारी लग रही है। और एक दिन अनजान में किसी ने उनके आसन के नीचे कुछ पैसा रख दिया अंदर दिया और बोले अरे आग है तो आग उनको मालूम नहीं था, गरम लगता है। सब मानसा उनकी आदत ऐसी बन गई। और धर्म धर्म की क्या बात सुना रहा है। हमारे सामने हिंदू मुसलमानों के इतने दंगे हुए हैं और दोनों भी होते हैं। गाय के लिए देखो दोनों की धारणा बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं। ईश्वर की कृपा से आप सावधान रहें, बाहर की
इंद्रिया ना बाहर का कृपा हो है? आपको जो संस्कार पड़ गया है उसके बच्चे कच्चे आपको तकलीफ देने न पावे। संस्कार ही है कुल का कुल संस्कार है। एक आदमी के घर में आग लग गई, सचमुच की हो आग लग गई, उसने कहा महाराज हमने तो बोल चले गए और रुपये हमारे पास आ गए हैं, अभी मेरा घर नहीं चल रहा है दूसरे का चल रहा है। आपने ये सुना है कि नहीं कि लोग बीमा करा के दुकान का सामान हटा लेते हैं और आगे ना देते हैं, जल गया हमारा और क्लियर कर रहे हो। मैंने जब तक अपना है और तब तक उसके जलने की तकलीफ है, और जब अपना नहीं है तो उसके जलने की तकलीफ नहीं है। मतलब क्या हुआ कि तकलीफ सारी मन की है, जलने की तकलीफ नहीं है, मन की तकलीफ है। तो हमको बाहर ठीक करना उतना जरूरी नहीं है, अपना मन ठीक करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सुना हो कि न सुना हो, ये जैसे तिरुपति जाते हैं तिरुपति बालाजी, तो रास्ते में बहुत से मंगे बैठे होते हैं, कई भी मांगने के लिए अपना अंग भंग करवा देते हैं पहले, और पीछे भीख ज्यादा मिलेगी। कमाई करने के लिए अंग भंग करते हैं, हाथ पांव तोड़ लेते हैं और फिर वहां बैठ के मांगते हैं, उनको उसी में फायदा है। न करता सुनता धर्मा धर्म, देखो शास्त्र की बात अभी तक नहीं थी बोला, ये तो लोक की बात आपको सुनाई, शास्त्र की बात सुनावे किसी को आसान हो किसी को मुश्किल हो। अच्छा देखो, एक ही लड़की है एक ही लड़का, ब्याह के पहले वो दोनों सहवास करें तो अधर्म है, और ब्याह के पहले करें तो अधर्म है, और ब्याह के बाद करें तो धर्म है। यज्ञ करीब संस्कार होने के बाद वेद पढ़ो तो धर्म है, और बिना यज्ञ करीब के वेद पढ़ो तो अधर्म है। ये है धर्मशास्त्र की बात बोला, उसमें अधिकारी कहते हो सूर्यास्त के समय संध्या काले हो राजन चत्वारी परिवर गए, सूर्यास्त के समय चार काम नहीं करना चाहिए, बोले भोजन नहीं करना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए, पुस्तक खोल के पढ़ना नहीं चाहिए, पाठ कर दुबारी कर, और स्त्री पुरुष का सहवास नहीं करना चाहिए। ये है धर्म हो सायंकाले तो भोजन चतुर्वारी कर दो, ग्रहण काल में खाना भी नहीं खाना, चौदह बरस की उम्र तक एकादशी नहीं करे तो पाप देने, और 80 बरस के बाद नहीं करे तो भी पाप नहीं लगता, और 14 बरस के बाद और 80 बरस के पहले एकादशी नहीं करे तो अन्न में पाप का लगा। ये शास्त्र है, ये शास्त्र। और सुना है आपको, राजा का बाप मर जाए या राजा की मां मर जाए तो उसको सूतक पातक नहीं करता,
के धर्मशास्त्र और जिसका अभिषेक नहीं हुआ है उसका मर जाए उसको सूत्र प्राप्त कर ये सब जो है धर्म और अधर्म का निर्णय हम अपने मन से नहीं कर सकते कि ये चीज बढ़िया है इसको खाने में क्या अलग है कि तुम मना की हुई चीज को वासना की अधिकता के कारण तो ये बढ़िया स्त्री है ये बढ़िया पुरुष है इसको भोगने में क्या दोष है बढ़िया बढ़िया होने से कोई भोग नहीं हो जाता ये चीज खाने में बहुत बढ़िया लगती है हम तो खाएंगे अरे पंचगंध देख के तो हमको कह आते हैं हमने छू ऐसे नहीं होता हर फसल में तुम्हारे मन को काबू में करने के लिए होता जो तुम्हारे मन को पसंद नहीं है धर्म के अनुसार होने पर उसको भी लेना पड़ता है और जो तुम्हारे मन को बहुत पसंद है धर्म के विपरीत होने पर उसको छोड़ना पड़ता है वो चीज अच्छी है कि पूरी इससे मतलब नहीं है मानो फिर किससे मतलब है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में है कि नहीं इससे मतलब है धर्म हमारे मन को काबू में करने के लिए होता है चीज की अच्छाई बुराई बताने के लिए नहीं होता है वेदांत की बात तो हमको भगवान बताते हैं ना और ये धर्मशास्त्र तो मैंने पढ़ा है बचपन से बोला ये सब वो आदमी कौन है उसकी योग्यता क्या है और वो चाहता क्या है और जो काम करने जा रहा है उसको समझता है कि नहीं ये चार बात धर्मानुष्ठान में जब एक साथ मिलती है तब धर्म की उत्पत्ति होती है केवल क्रिया करने से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती केवल कर्म से धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं होती वो कर्म करने वाला कौन है वो चाहता क्या क्या फल चाहता है उसमें करने की योग्यता है कि नहीं और समझ है कि नहीं अर्थी समर्था विद्वान शास्त्रेण अपरिदस्ता और ये सदर स्वामी ने पूर्व मीमांसा के प्रारंभ में धर्म के अधिकारी का निर्णय किया है धर्म का अर्थ है अपने मन को काबू में करना चीज को छोड़ना चीज को पकड़ना नहीं जब कहते हो कि ये चाम पसंद हो रहा है ये बोली बहुत मीठी है ये हाथ बहुत आकर्षक है तो तुम्हारा मन रूप से बाहर हो गया नियंत्रण नहीं रहा ये सब तुम्हारे मन का पितूर है और वो तुमको ले जा रहा है नीचे की इनकलाब तो हो रहा है पांव तो तुम्हारे उठ रहे हैं क्रांति हो रही है परंतु गिरने के लिए क्रांति हो रही है क्रांति होनी चाहिए अपने आत्मा में स्वस्थ स्वस्थ हो करके बैठने के तो न तो वस्तु में धर्म अधर्म या सुख दुख है न तो क्रिया में धर्म अधर्म या सुख दुख है न तो आकार में सकल सूरत में धर्म या धर्माधर्म या सुख दुख है अच्छा कहो कि मन में है या नहीं मन में भी नहीं है ये मन का विकार मन होना और मन का विकार होना बिल्कुल अलग अलग चीज मन तुम्हारा बिगाड़ दिया गया बिगाड़ दिया
मन में ये ऐसा है, ये बुरा है, ऐसा ऐसा क्यों सा क्यों सा ऐसा। असल में तुम न करता हो न बोलता हो। अब दूसरी बात, यदि हम करता होते तो धर्माधर्म हमारे होते थे, और यदि हम भोगता होते तो सुख दुख हमारे होते। ये संस्कृत में बोलने की रीति ऐसी है, वो पहले धर्माधर्म हो फिर सुखम भोगता, फिर न करता थी न भोगता थी। ये क्रम है, क्रम है। कर्म को काटने के लिए कर्म से होता है, जो हमारे मन को पराधीन बनावे उसका नाम अकर्म है, जो हमारे मन को स्वाधीन बनावे उसका नाम।